अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल का जो लेक्चर था उसमें आप लोगों की जो लिस्टिंग है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी टेम्पलेट थी वो आज ग्रुप में शेयर भी कर दी गई है। अब आप लोगों की सेकेंड लास्ट स्किल जो है पीएल की, विच इज कॉल्ड शिपिंग प्लान, ठीक है, आज वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है जी सर, दानिश ओवर टू यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो समझते हैं शिपिंग प्लान है क्या। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, शिप कोई चीज आप करने वाले हैं, ठीक है, भेजने वाले हैं कोई चीज, और उसका आप एक प्लान पहले बना रहे हैं। ठीक है, प्लान बना के उसको क्रिएट करके कुछ चीजें आपको ऑलरेडी शिपिंग प्लान बनाते वक्त आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें आपको ये शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट करने के बाद मिलती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में ये बात है कि आपको शिपिंग प्लान बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी ये शिपिंग प्लान कहाँ से आ रही है। ठीक है, शिपमेंट कहाँ से आ रही है, आपकी कंसाइनमेंट वो कहाँ से आ रही है, चाइना से आ रही है तो चाइना के सप्लायर की एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए आपकी कंसाइनमेंट के अंदर जो है वो कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है, डायमीटर्स उसके क्या है, वेट उसका कितना है, एक बॉक्स में कितने यूनिट्स उसमें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें शिपिंग प्लान में क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्या इसमें से मिलता है, फिर आपको ये यहाँ पे SKU आपका मिलता है जनरेट होके। ठीक है, वो आप प्रिंट करते हैं, फिर आपको लेबल मिलता है आपके उसके बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, लेबल के अलावा आपको यहाँ पर अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको शिपिंग प्लान कहते हैं हम लोग, इसको क्रिएट करने के बाद और पहले ये सारी चीजें होती हैं, जिसको आज हम डिटेल में इंशाल्लाह कोशिश करके इस एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको मिला, उसने बोला जनाब मेरे जो है वो शिपिंग आ रही है, कंसाइनमेंट आ रही है, काइंडली क्रिएट माय शिपिंग प्लान। ठीक है, आप उनसे पूछें, ठीक है सर, डू यू हैव एड्रेस वेयर फ्रॉम योर कंसाइनमेंट इज कमिंग। ठीक है, वो आपने ले लिया, सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए उसका एड्रेस कहाँ से आ रही है। ठीक है, एड्रेस फ्रॉम शिप कहाँ से हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका कोई ज्यादा वो कंसर्न है भी नहीं। ठीक है, अगर आप उसके सप्लायर का एड्रेस देना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप अपने क्लाइंट का भी एड्रेस यहाँ पे जो उसके LLC का एड्रेस है वो भी आप इसको इस पे दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, पहले तो हम इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहे हैं ना कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एन एक्सपेक्टेड डेट आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंसाइनमेंट किस डेट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। ठीक है, आज से 45 दिन के बाद, आज से 20 दिन के बाद, आज से जो भी होगा XYZ आपको पता होता है, क्योंकि आप वो पीछे आपको पता है, आप सोर्सिंग में सारा आपको पता होता है कि आपकी ये जो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सोर्सिंग में जिस तरह एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड डेट आपको पता चली, क्योंकि आपको जब आप सोर्सिंग करने जा रहे थे तो आपने उनसे मालूम कर लिया था लीड टाइम
कि भाई आप अपना लीड टाइम मुझे बता दें, सप्लायर से आपने पूछा था कि ये कितने दिनों में आप तैयार कर लेंगे, इसको मैन्युफैक्चरर कर लेंगे, ठीक है, उसने आपको बता दिया 15 दिन 20 दिन जो भी, ठीक है। फिर आप जब आपने DDP का वो प्लान लिया या आपने इंडिविजुअल जाके उससे अपना फ्रेट फॉरवर्डर वाला सर्च किया, उससे पूछा, तो उसने भी बोला कि यार मैं आपकी जो ये कंसाइनमेंट है वो चाइना से उठा के UK या USA जो भी आपका टारगेट मार्केट है वहां तक मैं ले आऊंगा, मैं 20 दिन 25 दिन जो भी है वो लगा लूंगा, ठीक है। तो आपने जो है रोड ट्रिप ये वो सारा मिला के आपको पता है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 45 दिन बाद होगी। आज मैं शिपिंग प्लान क्रिएट करूंगा तो 45 दिन के बाद इसको मैं डेट दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए शिपिंग प्लान बनाने से पहले पहले। अच्छा जी, शिपिंग प्लान का कैरियर नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, कैसे होगा, ये आपको पहले से ही पता होता है, जाहिर सी बात है आपको पता होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, सर ओनली शिपिंग प्लान की सर्विसेज दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है, बहुत टेक्निकल स्किल है, ठीक है, ये भी एक VA के लिए काफी है अगर वो सिर्फ शिपिंग प्लान ही काम करे और कुछ भी ना करे, वो प्रोडक्ट हंटिंग भी ना करे, कुछ भी ना करे, शिपिंग प्लान सिर्फ बनाए, $100-$150 मिल जाते हैं इसके, ठीक है, कोई रिस्क तो नहीं, नहीं कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। VA को सब सारी सर्विसेज आनी चाहिए, नहीं आती तो इंडिविजुअल भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी चलिए जी बात करते हैं उसके बाद शिपिंग कैरियर नेम। शिपिंग कैरियर नेम जाहिर सी बात है आपका DDP होगा, ठीक है, अच्छा जी वो आपको पता चल गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका नंबर ऑफ कार्टून्स इन शिपमेंट, कार्टून्स आपके कितने आ रहे हैं आपको 110% मालूम होना चाहिए। जाहिर सी बात है यू आर ओरिजिनल बायर जो के बाय कर रहा है अपनी शिपमेंट कहाँ से, चाइना से। आपकी जो शिपमेंट तैयार होती है आप अपने सप्लायर से बात करते हैं, उससे वीडियो कॉल करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर मुझे दिखाइएगा मेरी कंसाइनमेंट कहाँ पर है, वो आपको दिखाता है, आप उससे जो है वो पेपर वर्क मांगते हैं, वहां पर लिखा होता है कि जनाब एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको कार्टून्स मालूम होने चाहिए कि ये जो है वो कार्टून मेरे पास हमारी कंसाइनमेंट में कितने कार्टून्स हैं, बेसिकली 8 हैं 9 हैं 10 हैं 25 हैं कितने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं शिपिंग प्लान बनाने वालों आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक एक कार्टून का सिर्फ नहीं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है क्योंकि आपका सारा काम उसी की वजह से तो शिपिंग प्लान बनाना है। अगर आपको कार्टन्स का नहीं पता, अगर आपको कार्टन्स के डायमेंशन का नहीं पता, वेट का नहीं पता, तो फिर शिपिंग प्लान आप कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने मालूम कर लिया सर आपके कितने कार्टन्स है, वो कहता है जनाब मेरे 4 कार्टन्स है, ठीक हो गया सर आ जाए आगे चले, और सर मुझे बताइएगा जरा कि आपके जो कार्टन्स है इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है इसका, ठीक है, अपना लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए 110%। अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, आपकी जो कंसाइनमेंट जा रही होगी अमेजोन के वेयर हाउस पे, एक तो उसमें जो है वो आपकी फीसेस डबल हो जाएंगी, ठीक है, डायमेंशन का आपको नहीं पता होगा तो फीसेस डबल हो जाएंगी, ठीक हो गया। चले जी ये हो गया, उसके बाद उस कार्टून का आपके पास हर एक कार्टन का वेट का पता होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पास 4 कार्टन्स हैं तो वो 4 ही एक ही साइज के हों, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, वेट डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं 4 हैं वो, हो सकता है वो 50 हों, हो सकता है वो 200 हों, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे कार्टन्स की जो है वो एक ही वेट हो, भले उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट हो, ठीक है, लेकिन किसी में कितने प्रोडक्ट यूनिट्स आगे किसी में कितने आगे तो उसका वेट जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा। उसके बाद जो अभी मैंने बात की नंबर्स ऑफ प्लस टाइप ऑफ यूनिट्स इन ईच कार्टन,
हर कार्टन में आपको पता होना चाहिए कि ये वाले कार्टन में इतने जो है वो यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इस वाले कार्टन में इतने यूनिट पुट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जो अमेजोन हमें जो कहता है पॉलिसी उसकी, वो कहता है जनाब मुझे ऐसा कार्टन चाहिए आपकी तरफ से जिसमें 150 से ज्यादा यूनिट उसके अंदर नहीं हो। 150 से ज्यादा होगा मैं उसको कैरी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसको उसको देखूंगा भी नहीं, ठीक है, फिर आप बैठे रहना, ठीक हो गया। तो ऐसा कार्टन जिसके अंदर 150 यूनिट से ज्यादा ना हो उसको आप कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सबसे जरूरी है इंडिविजुअल कार्टन्स और पायलट, आप जो है आपको पता हो कि इंडिविजुअल में पैक कैश पैक बनाने जा रहा हूँ या ये जो है वो कैश पैक बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मजीद आगे जाके हम देखते हैं वो क्या चीज है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई चीज रहती है तो ये थोड़ा सा देख लीजिए दोबारा। एड्रेस, एक्सपेक्टेड डेट, शिपिंग कैरियर नेम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन्स, और उसके अलावा कार्टन्स के जो है वो अपना डायमेंशन, ठीक है, कार्टन्स का वेट, ठीक है, नंबर प्लस यूनिट्स इन ईच कार्टन, ठीक है, इंडिविजुअल हो या आपका पायलट हो, पूरा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेलर सेंटर पर आ गए आप। अब यहाँ तो मैंने एक वो ली हुई है अपना, ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली, ठीक है, लाइव वो नहीं है, सेलर सेंटर नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर उसकी आ रही होती है आपके क्लाइंट की, ये जो कल हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, पीएल की हमने जो लिस्ट बनाई थी, लिस्टिंग बनाई थी, यहाँ पर आ रही होती है। ये देखें, आप एक बनाते हैं लिस्टिंग तो आप वो इस तरह आती, एक लगी हुई आती है। अगर इधर 10 होती तो ये इसके बाद दूसरी आती, फिर तीसरी आती, फिर चौथी आती, ठीक है, इस तरह से नीचे आ जाती। अच्छा, इसका कंसर्न सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, ये लिस्टिंग में जितने भी फंक्शंस होंगे यहाँ से लेके ये जो इसका पूरा बॉक्स आ रहा है, ठीक है, इसी के अंदर जो भी होंगे इसके फीचर्स फंक्शन जो भी हैं, जो भी इसको इसी लिस्टिंग के हवाले से यहाँ पर ही सारी वो एडिटिंग वगैरह जो भी होगी यहाँ होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो आपकी कंसाइनमेंट आ रही है वो बिल्कुल यही आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, उसका नाम भी यही है, उसका SKU भी यही है, ठीक है, UPC भी आपने लगा दिया है, सारी चीजें आपने लगा दी है। अब यही कंसाइनमेंट आपकी आ रही है, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ देखें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने सेलर सेंटर ओपन किया, सेलर सेंटर एक मिनट में दिखा देता हूं दोबारा, अगर यहां से यहाँ कैटलॉग में जाके ये सॉरी अपना इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री जब आप करते हैं आपके पास इस तरह से ओपन हो जाता है, ये आ जाती है मैनेज इन्वेंट्री में, मतलब ये आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है ना, लिस्टिंग है, लिस्टिंग मतलब जाहिर सी बात है आपकी इन्वेंट्री होगी, ठीक है, इस तरह से आ जाती है। कहाँ से आई ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री जैसे आपने किया, थोड़ी देर इंतजार किया, ये इस तरह से उसकी जितनी भी लिस्टिंग होगी यहाँ पर नजर आ जाएगी आपको, ठीक है। अब जिस लिस्टिंग का कंसाइनमेंट आ रही है उसका हमने जो है वो शिपिंग प्लान बनाना है, तो उसी के सामने ये यहाँ पे एडिट लिखा हुआ होता है, हर लिस्टिंग के सामने एडिट लिखा हुआ होता है या इस तरह, ठीक है। इसको आप यहां से जब क्लिक करेंगे, मैं दिखाता हूँ, इस तरह से ओपन होगा पूरा बार, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है कि आप जो है वो शिपिंग प्लान बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर शिपिंग प्लान कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक हो गया। इसको आप एक मरतबा क्लिक करेंगे, ठीक है, इस लिस्टिंग की कंसाइनमेंट आ रही है, लिस्टिंग आपने बना दी है या ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, इन मैनेज इन्वेंट्री से आप आ गए, आने के बाद एडिट का बटन आपने जब इसको प्रेस किया तो ये इस तरह से पॉप अप हुआ, यहां पर आप इसको कहते हैं सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक हो गया, इसको क्लिक करके आगे आते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं ये प्री सेलेक्टेड ही SKU आपका हो गया, क्योंकि आपने इसके SKU ये वाला आपका SKU ही है ना, जाहिर सी बात है, हम तो इसको लिस्टिंग कह रहे हैं ये, लेकिन है तो SKU ना। आगे आ जाएं आप,
ये देखें, ये प्री सेलेक्टेड क्या है, एसकेयू है, ये वाला एसकेयू हो गया। अच्छा, शिफ्ट फ्रॉम ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारी जो लिस्टिंग है उसका एड्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, या अगर ये इस पे एड्रेस किसका आएगा, आपका जो क्लाइंट होगा उसका जो एलएलसी का एड्रेस होगा वो यहाँ पर आएगा। वो कौन सा होगा, वो अगर यूके में उसने एलटीडी रजिस्टर करवाई हुई है तो वो एलटीडी वाला यूके वाला आ रहा होगा इसमें एड्रेस, ठीक है। नहीं आता तो आप इसको एडिट कर सकते हैं या उससे पूछें, जनाब क्या मैं इसको चेंज करूं या इसको यही एड्रेस रहने दूं, ठीक है। आपसे वो अगर पूछे कि आप बताएं आप भी हैं, मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए, उसको आप कहें सर नो वरीज, ये हम जो है वो अमेजोन को पता है कि ये कहाँ से शिपमेंट आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे आप यू आर अ कंपनी, ठीक है, आप अपना भी एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर का एड्रेस थोड़ी दे रहे हैं, आप ये एड्रेस दे रहे हैं अपने वो जो आपकी कंपनी फॉर्मेशन है, एलटीडी है या एलएलसी है, आप उसका एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, आप उसका भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देना चाहें तो हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि ये चाइना से आ रही है, चाइना का भी हम यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम ये देखें, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, ये तो ये भावलपुर का एड्रेस है, तो यानी कि हम पाकिस्तान का भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं? नहीं, ये तो हमारा है ना, हम हमारा तो ये प्रैक्टिस के लिए है। जी जी जी, प्रैक्टिस के लिए अकाउंट है, इसीलिए ये आ रहा है, भावलपुर का आ रहा है, ठीक है। जो आपके क्लाइंट का वो एड्रेस होगा, जो सेलर सेंटर होगा उसका यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी प्री सेलेक्ट हुआ हुआ आएगा, ठीक है। वैसे आप लोग पाकिस्तान से भी अपना सेलर सेंटर बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बस ये है कि आपकी हर महीने की भी फीस लग जानी है 7,500 की खामा खाई की, ठीक है। तो ये वजह है जो कि हमें लगती है, पिछले महीने शायद मैंने वो पे नहीं किया तो इसलिए मेरा वो ब्लॉक हो गया, मतलब वो अनएक्टिव हुआ है, करवा लूंगा मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, प्री सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट करके आपके पास फॉर्म आएगा, उसमें आप सिर्फ एड्रेस एंटर करके सेव करेंगे तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगी, ठीक है, चाइना वाला भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन, आपका जो भी मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन होगी और आपके सेलर सेंटर पे वो अलाउ होगी, ठीक है, अलाउ होगी तो यहाँ पर ऑप्शन जरूर आएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन वो आता है, यूके का भी आता है, 13 मेरे पास है, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये स्क्रीनशॉट है, मैंने यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आपकी जो मार्केट प्लेस होगी आप उसका जो है वो सेलेक्ट करेंगे। किसी की वो वीडियो ओपन हो गई है, प्लीज आप लोग अपनी वीडियो जो है वो बंद कर लीजिए, मुझे नहीं पता है किसकी ऑन हुई है, लेकिन अभी लग रहा है मुझे इस तरह से। जी सवेरिया कमर, आपकी वीडियो जो है वो ऑन है, प्लीज इसको बंद कीजिए, थैंक यू। फिर आपकी ऑन हो गई है, बंद कर दीजिए प्लीज, ये रिकॉर्डेड है, थैंक यू। अच्छा जी, चले वापस आ जाते हैं यहां पर। अच्छा जी, मार्केट प्लेस सेलेक्ट हो गया, सिंपल। अच्छा, उसके बाद ये प्री सेलेक्ट तो हो गया, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहले ये पैकिंग डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको समझने वाला है, बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, पहले इसको ऑप्शन देख लेता हूँ। ये अभी लिखा हुआ रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन ये देता है, मैं इसको ओपन करता हूँ, क्या क्या ऑप्शन है ये देखिए, एक आपके पास इंडिविजुअल यूनिट्स ऑप्शन है, दूसरा ये कहता है क्रिएट न्यू कैश पैक टेम्पलेट, ठीक है, कैश पैक, ठीक है, क्या है, कैश पैक या इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल और कैश पैक में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि आपका जो इंडिविजुअल होता है ना, उसमें आपको ये चीज थोड़ी सी अलाउ हो जाती है कि अगर आपका आपकी आपका कंसाइनमेंट जो है वो 25 आपके कार्टन्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी का वेट जो है वो 12 kg है, किसी का 24 kg है, किसी का 100 kg है, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, तो आपका यहाँ पर
आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसको चेंज करने का, उसको बताने का, ठीक है, जो भी आपकी डायमेंशन होगी, वेट होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि सर कैश पैक, और आपके आपको पता है कि यार मेरे जो है वो सारे जो जितने भी मेरे डब्बे आने हैं वो एक साइज के नहीं है, ना एक साइज के हैं ना एक वेट के हैं, और उनके अंदर यूनिट भी किसी में 150 है, किसी में 100 है, किसी में 12 है। अगर इस तरह के सिचुएशन में मैं अगर कैश पैक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे आगे जाके जब मैं इसको आगे करूंगा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, फिर मैं उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो अगर ऐसी सूरत हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप बैठ के इसको सोचेंगे कि मैंने क्या करना था, ठीक है। आपको पहले से पता होगा वो जो मैंने आपको बताया था, आपने पूछ लिया अपने क्लाइंट से कि सर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, डब्बे कितने आ रहे हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है, आपको पहले से ही पता है। फिर आपने उससे पूछा उन डब्बों में उसके अंदर यूनिट कितने हैं, वो अगर 25 हैं तो मुझे बताओ जो फर्स्ट वाला है उसका वेट कितना है, और उसका अगर वो कहता है जी 12 kg है, अच्छा जी दूसरा वाला उसमें कितने हैं, वो कहता है जी 150 नहीं है, उसके अंदर 120 है, उसका वेट कितना है, उसका 10 kg है। अब आपको पता चल गया जी मैंने तो ये कैश पैक के साथ जाना ही नहीं है, मैंने तो जाना है इसके साथ इंडिविजुअल यूनिट्स के पास, ठीक है, ये वाला कैश मैं जो है वो शिपिंग प्लान बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछ लीजिए। जी सर बताइएगा ये क्यों नहीं जाएंगे उसके साथ। नहीं देखें, इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्यों जाएंगे सर। इंडिविजुअल यूनिट्स में आप इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने अपने क्लाइंट से पूछ लिया है कि सर आपके जो वो कंसाइनमेंट है उसके अंदर कार्टन्स कितने हैं, उसने आपको बता दिया। अगर उसने कहा जी सारे डब्बे एक जैसे हैं, उसमें ना वेट का फर्क है, ना उसके अंदर कोई यूनिट कम है, ना कोई यूनिट ज्यादा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ही सारी प्रोडक्ट है, एक ही डब्बे हैं, एक ही डायमेंशन है, एक ही हाइट है, सब कुछ एक है, फिर तो आप जाएंगे ये कैश पैक में, ठीक है। लेकिन आपने कहा नहीं सर इस तरह नहीं होगा, आप मुझे एक एक चीज बताएं कि आप मुझे बताएं जो आपके कितने डब्बे हैं, वो कहता जी मेरे 4 डब्बे हैं, अच्छा जी सर फर्स्ट वाले का मुझे जरा वेट बताइएगा, सबसे ज्यादा किसका वेट है, वो बताएगा सर इतना है, कितना वेट है सर, वो कहता जी इसका 15 किलो है, अच्छा जी 15 किलो, जो दूसरा डब्बा है उससे कम वाला वो कितने का, वो कहता जी ना वो 14 किलो का है मेरे ख्याल से। अब आप समझ जाएं कि अच्छा जी मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अब इसलिए मैं इंडिविजुअल यूनिट्स का जो है वो टेम्पलेट्स उठाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, मैं इसको एडिट कर लूंगी, फिट कर लूंगी, ठीक हो गया। जी जी ठीक है। ओके यानी कि जहां डायमेंशन चेंज होगी, जहां पर वेट ज्यादा होगा या अप जी एंड डाउन यूनिट्स होगा, तो हम थ्री जी केस पैक के साथ जाएंगे, वरना फिर हमें इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ जाना होगा। सही कहा मैंने? नहीं नहीं गलत कहा, हाँ यानी कि जिस जहां डायमेंशन यानी उल्टा बोल दिया मैंने। जी 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 ओके ओके सर। डायमेंशन और वेट और यूनिट्स जिसमें कमी पेशी हो, कमी बेशी सारे हो डब्बों में कोई वो थोड़ी बहुत हो, छोटा बड़ा हो, तो आप उसमें उस सूरत में जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है आपकी कंसाइनमेंट में कोई भी जो है वो ऐसा डब्बा नहीं है जो कि जिसका वेट ज्यादा है, या एक एक जैसे वेट में नहीं है, या एक जैसे डायमेंशन में नहीं है, तो फिर आप जो है वो कैश पैक में जाएंगे। एवरीवन क्लियर, प्लीज दोबारा पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। जी सर क्लियर हो गया। कोई और बताना चाहे तो बता दे, पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, समझ ले कि कैश पैक शिपिंग प्लान में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी उसके बाद इस तरह आपको ये येलो नजर आएगा कि मतलब अभी आपने इसको फिल नहीं किया है, इसको बताइए, इन्फॉर्मेशन एक्शन कीजिए इसके ऊपर, आप इसको क्लिक करेंगे एक दफा, ठीक है। ये पूछ रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल, तो आप बताएं पहले, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूं इसको, ये क्लिक किया इस तरह से ये पॉप अप होगी विंडो, ठीक है, जिसमें आपसे ये पूछेगा कि सर आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये आप हु विल प्रेप दिस आइटम, ठीक
ठीक है, ये यहाँ आपसे पूछेगा, ठीक है, हु प्रेप दिस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अमेजोन से इसको प्रेप करवाना चाहते हैं, तैयार करवाना चाहते हैं, या उसको जो है वो पॉलीबैग, अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी पॉलीबैग के वो उसमें है, जुमरे में आती है, तो आप प्रेप अगर अमेजोन से करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप अमेजोन से, यहाँ पर आपसे आपको पूछ रहा है हु विल प्रेप दिस, तो यहाँ पर आप अमेजोन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप कहेंगे नो नीड प्रेप, ठीक है, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेप आप इसको खुद ही करेंगे। किससे करवा रहे हैं? आपके जो चाइना का सप्लायर है, या चाइना का सप्लायर नहीं करा तो आपने कहीं और से ये सर्विस ली है, और वो लोग जाके इसको प्रेप करेंगे और इसको भेज देंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्रेप आपने बता दिया, इसको इसको सेव करेंगे थोड़ा सा, फिर अभी भी इसी विंडो पे ही आपको रखेगा, ये पूछेगा अच्छा जी प्रेप तो आपने बता दिया, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत किसकी नहीं है? अमेजोन की नहीं है, वैसे हम इसको प्रेप कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी करवा रहे हैं, हमारी मर्जी है। वो आपसे पूछ रहा है, या तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि या तो आप मुझसे करवा लें, अमेजोन कह रहा है, आपने उसको बताया नहीं नहीं आपकी जरूरत नहीं है, नो नीड प्रेप, ठीक है, हम खुद ही इसको प्रेप करेंगे, या मेरे जो है वो प्रोडक्ट को जरूरत ही नहीं है प्रेप की, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपने इसको बोला प्रेप नहीं चाहिए। प्रेप क्या है? प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपरेशन किस चीज की? भाई इसको पॉली बैग, जो प्लास्टिक वाली पन्नी जिसको कहते हैं, शॉपर जिसको कहते हैं, वो इसमें लगनी है या नहीं लगनी, वो हमने अमेजोन को बोल के लगवानी है या नहीं लगवानी, ठीक है। तो हमने इसको बोला नहीं जी नो नीड, ठीक है, प्रेप नो नीड, आगे चले गए। अच्छा, आपकी वाकई कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें पन्नी लगनी है, शॉपर लगनी है, ठीक है, प्रेप की जरूरत है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप जरूर अमेजोन से वो चीज प्रेप करवाएं, ठीक है, क्योंकि वो खास तौर पे यूएसए वाले, यूएसए ये पॉली बैग के उसमें बहुत अजीब है उनके पॉलिसीज, ठीक है, तो वो अमेजोन ही उसको कर सकता है, उसको अपने बिहाफ पे, ठीक है, वो वही मुंह दे सकता है, बाकी इंडिविजुअल बंदे की वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने पॉलीबैग लगा के भेज दिया तो अल्लाह करे वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर टैपिंग भी आती है, काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये नहीं था, वो नहीं था, ये था, ये था, वो नहीं था, इस तरह की वो अमेजोन फिर गड़बड़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट को जरूरत है प्रेप की तो, ठीक है, मतलब पॉलीबैग की। अच्छा जी, ये आपने बता दिया इसको नो नीड प्रेप। आगे वो आपसे पूछता है, अच्छा जी आप तो ये बताएं आपके जो SKU है ये आपको किस तरह के चाहिए, SKU जो आपने ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। अब ये आपको कहता है मैं आपको SKU एक बना के दूंगा, ठीक है, जो कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से ये पूछ रहा है कि किस उसमें दूं आपको मैं, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये A4 पेपर में दे दें, किसी और साइज में लेना है, किसी और साइज में आप ले लें, साइज में लेके यहाँ आप इसको बोल रहे हैं कि कितने मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ सर मेरी प्रोडक्ट ही एक है, भले वो 200 है, ठीक है, यूनिट्स 200 है, लेकिन मुझे चाहिए एक, बाकी दो उसकी कॉपी होंगी, ठीक है। मैंने इसको 1 लिखा और इसको यहाँ पर प्रिंट का बटन दबा दिया, प्रिंट का बटन दबा दिया, ये इस तरह से मेरे पास डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। ये देखें ये बारकोड नजर आ रहा है, ये UPC नहीं है, ठीक है, ये UPC नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आपने जो लिस्टिंग में लगाई थी UPC, ये उसका जरूर है, ठीक है, उसका मिक्सचर है। फिर ये रिप्रेजेंट कर रही है अपना SKU, रिप्रेजेंट कर रही है आपके वो UPC को, ठीक है, और SN को, ठीक है, तो इसलिए इसने अमेजोन ने अपनी तरफ से आपको ये प्रिंट करके दे दिया। ये SKU आपने अपनी जो है वो क्लाइंट को देना है कि सर ये आपका SKU है, ये आप अपनी प्रोडक्ट पे इसको लगवाएंगे, ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ईच उसके ऊपर लगेगा, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको डाउनलोड हो गया। अब आप दोबारा आ गए, नेक्स्ट आपने कर दिया, सेव किया, आप यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ तक पहुंच गए, ये वाला आपने क्लियर किया, ठीक है, ये वाला हो गया, एड्रेस हो गई आपकी, मार्केट प्लेस हो गई आपकी, ये जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट हो गई है, इंडिविजुअल यूनिट्स आपने सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है, प्रेप और लेबल आपने कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर रेडी टू पैक, ठीक है, रेडी टू पैक से पहले आप इसको बता रहे हैं यूनिट टोटल कितने हैं, बॉक्सेस अभी आपसे नहीं पूछ रहा, ये अभी आपसे ये बॉक्सेस नहीं पूछ रहा, बॉक्सेस ये आगे जाके पूछेगा,
ये आपको पूछ रहा है, असल में आपके पास यूनिट्स हैं कितने। ठीक है, अब आपको तो पता है, जाहिर सी बात है, आपको क्लाइंट ने बता दिया कि अच्छा सर चार डब्बे हैं मेरे पास, मैडम मेरे पास चार डब्बे हैं, ठीक है, जिसके अंदर टोटल जो आ रहे हैं ना वो है 200। ठीक है ना, यहाँ आपने लिख दिए यूनिट्स टोटल जो है वो 200 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, आपने 200 किया, इसको रेडी टू पैक किया और इसको आगे ले आएगा ये आपको। ये आपको यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा वो है अपना स्क्रीन शॉट है, तो ये ज्यादा नजर आ रहा है, 1000 नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको 200 के हिसाब में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये रेडी टू पैक किया आपने, रेडी टू पैक करके ये देखिए, अब यहाँ पर ये वाला भी आपका रेडी टू पैक हो गया, आपने जितने यूनिट बताए थे वो यहाँ पर 200 आ गए। ठीक हो गया, अब क्या क्या चीजें हो गई, आपकी वो एड्रेस हो गई, या आपका ओरिजिनल एसकेयू जो आपकी जिसकी लिस्टिंग कंसाइनमेंट आप बना रहे हैं, लिस्टिंग हो गई आपकी, इंडिविजुअल यूनिट आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी प्रेप, ठीक है, प्रेप और क्या थी प्रेप, ये देखें आपने लिखा है प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, आपने ही सेलेक्ट किया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको, इसका जो लेबल है वो भी आपने इसका प्रिंट आउट ले लिया। ठीक है, अब आपने बता दिया कि टोटल यूनिट मेरे 200 हैं। ठीक है, अभी बॉक्सेस की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है, टोटल बॉक्स के अंदर टोटल यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी ये हो गया, अब यहाँ से आप आपसे ये कंफर्मेशन लेता है, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, जी सर बिल्कुल पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अच्छा जी आगे चले, अब आपको ये इस विंडो पे ले आएगा। ठीक है, आपने जस्ट वो ये किया था पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, इस टेम्पलेट पे आपको ले आया, अब आपसे पूछ रहा है ये, यहाँ पे इस तरह का ये सारा वो सिनारियो होगा आपके सामने। ठीक है, इंटरफेस, ये आपकी लिस्टिंग है, ठीक है, वो नजर आ रही होगी आपकी लिस्टिंग, और ये पूछ रहा है पैक इंफॉर्मेशन, पैकिंग इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट फिट इन टू, एवरीथिंग विल फिट इन टू वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। अब आप बताइए इतनी देर से मैं जो कह रहा हूँ वो कितने बॉक्सेस हैं आपके पास, मैं इन दोनों में से कौन सा यूनिट सेलेक्ट करूं। 200 यूनिट हैं हमारे, ठीक है, और मेरे जो है वो चार जो है वो बॉक्स हैं, तो इन दोनों में से कौन सा मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, एवरीथिंग विल फिट इन टू वन बॉक्स करूं या मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, बताइए जी। सर मल्टीपल बॉक्सेस करेंगे बिल्कुल सेकंड एग्जैक्टली, ऑप्शन। ठीक है, जबरदस्त, वेरी नाइस, मल्टीपल बॉक्सेस हमें चाहिए। आपने वहां पर टोटल अपने यूनिट्स बता दिए कि मेरे जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं वो 1000 आ रहे हैं, या मैंने 200 बता दिए। ठीक है, अब ये पूछता है, अच्छा जी वो 200 जो आपके प्रोडक्ट्स टोटल आने हैं, या 1000 आने हैं, या 1 लाख आने हैं, उसके लिए आपको बॉक्सेस कितने चाहिए, एवरीथिंग विल फिट इन टू वन बॉक्स और यू नीड मल्टीपल बॉक्सेस। आप कहते हैं जी ना मुझे जो है वी नीड मल्टीपल बॉक्सेस। ठीक है, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, इसको आपने क्लिक किया और कंफर्म को क्लिक किया। ठीक है जी, अच्छा जी कंफर्म के बाद आपको ये यहां पर ले आएगा, ये पूछता है अच्छा जी मुझे ये बताइए जरा, यहां पर वैसे आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं,